चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 का रॉकेट 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस मिशन के जरिए भारत की नजरें इतिहास रचने पर टिकी हुई हैं। भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिसमें अब तक चीन, रूस और अमेरिका था। 2019 वाला डर था, सबके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठे थे, पर मन में हलचल चल रही थी। डर भी था लॉन्चिंग को देखने के लिए। दूर बैठे 10,000 से ज्यादा दर्शक भी अपनी सांसें रोके आसमान की तरफ देख रहे थे। ये भारत पाकिस्तान जैसे क्रिकेट मैच का तनाव नहीं था, ये देश को गर्व का पल दिलाने वाली सफलता से पहले का तनाव था। सभी वैज्ञानिक सामने लगे स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। जैसे ही आखिरी 5 सेकंड की गिनती रह गई, इसरो चीफ एस सोमनाथ अपनी सीट पर चुंबक की तरह चिपक गए थे। सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी सीट पर जम चुके थे। काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1, 0 और लिफ्ट ऑफ, और फिर सब आसमान की तरफ देखने लगे। जैसे ही रॉकेट हमारे चंद्रयान को लेकर ऊपर उड़ा तो कुछ देर तक शांति छाई रही। करीब 2 मिनट बाद जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तो सभी खुशी से उछल पड़े। अभी तक जिन चेहरों पर तनाव दिख रहा था उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। हालांकि ये मुस्कान अभी अधूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 42 दिनों तक चांद की दूरी तय करता रहेगा। यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत है। हर कोई इस मिशन को सफल होते देखना चाहता था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुए सफल लॉन्चिंग ने देश को गौरव का क्षण दिया। जैसे ही चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा तो वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। इसरो चेयरमैन सोमनाथ, जो तनाव के कारण कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हुए थे, वो भी उछल पड़े। चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो चुका है। लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रैकेट LBM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला गया। अब अगले 42 दिनों में 3,00,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। अगर ये मिशन सफल होता है तो 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जो राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।